मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्लास 10th एंड 12th। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा एक कॉमन टॉपिक हमने लिया था जिसको हम लेटर के सेक्शन में लाते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। डियर स्टूडेंट, हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल को बड़ी डिस्क्रिप्शन में हमने उसको आपको बताया है और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुका होगा। डियर, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में कोई खासियत, इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, थोड़े से डिफरेंसेस थे जो हमने आपके सामने डिस्कस किए। और डिस्कशन के साथ में हमने फॉर्मल लेटर भी किए हैं, कुछ एग्जांपल फॉर्मल लेटर के भी किए हैं, कुछ एग्जांपल हमने इनफॉर्मल लेटर के भी किए हैं। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, लेटर आप लोगों के 10th क्लास में लेटर जो है 5 मार्क्स का है, और यही लेटर जब 12th में आता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है और ये 7 मार्क्स का बन जाता है, यानी 7 मार्क्स का ही बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको अब लेटर 5 मार्क्स का 10th में और 7 मार्क्स का 12th में, ये आपके एग्जाम में आएंगे। चीजें दोनों सेम हैं, दोनों क्लासेस के लिए कोई डिफरेंशिएट नहीं है। मुख्तसर है कि 10th में एक दो लाइन कम हो, स्टैंडर्ड हो, और 12th में थोड़ा सा बड़ा हो, लेंथी हो और कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज हो। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के एग्जांपल्स करवाए थे, तो क्यों ना आज मैं आपको एक फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन देता हूं। मैं यहां लेता हूं क्वेश्चन, आप उसको घर पे ट्राई करें, बनाने की कोशिश करें। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप पहले उस क्वेश्चन को देखें। फॉर्मल लेटर का एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप अच्छी तरह से इसको देखें और फिर आप खुद ट्राई करें। जो हमने पुराने वीडियो में बना के आपको समझाया है उसी तरह से आप उसको भी लिखें। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। इमेजिन Anupam or Anupama studying in government senior secondary school Alwar. Write a letter to your principal requesting him to arrange computer classes and a games period for your class. डियर स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सा मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल को आप लें और आप खुद बनाएं। फॉर्मेट आपको पता है, हमने बता चुके हैं। उस फॉर्मेट से आप इन क्वेश्चंस को लिखें और बढ़िया तरीके से लिखें। तो देखिए, मैंने या अनुपमा स्टडी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, write a letter to your principal requesting him to arrange computer classes
एंड अ गेम्स पीरियड फॉर योर क्लास एंड गेम्स पीरियड फॉर योर क्लास 12। अब आपको इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखना है, खुद को बना के लिखना है। कैसे लिखना है, फॉर्मेट आपको मालूम है, नोट डाउन किया होगा आपने, उसी फॉर्मेट को कॉपी करते हुए सिर्फ सब्जेक्ट हमने अलग लिखा है इसमें, आपको सब्जेक्ट अलग लिखना है। और बाकी अगर आप देखेंगे तो उसमें फॉर्मेट फॉर्मल लेटर के सेम टू सेम एज इट इज आपको लिखना होगा। कुछ लैंग्वेज आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं इंग्लिश स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए हमने एक फॉर्मल लेटर के अंदर एक छोटा टॉपिक दिया है, आज आप इस क्वेश्चन को पूरा करें और उसके बाद कल एक फिर आपको नया टॉपिक, एक नया क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वो होगा इनफॉर्मल लेटर, आप उसको भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो आज आप फॉर्मल लेटर भी पूरा करें और फॉर्मल लेटर पूरा करने के बाद इनफॉर्मल लेटर क्या होता है वो भी आप देखें। और अब आप चाहे तो आप इसको अपना टेस्ट समझ लीजिए या होमवर्क असाइनमेंट समझ लीजिए, जो भी आप इसको बेहतर तरीके से करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।